वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन कैसे हम कर सकते हैं घर बैठे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे और आपको उसके आगे क्या करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, scholarship.up.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद से आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ स्टूडेंट वाले कॉर्नर पे भी आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस में आपको अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आप 9th या 10th में पढ़ते हैं तो आप जो है प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई करेंगे। प्री मैट्रिक क्लास पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस का आइकन आपको मिलता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से ही आप लॉगिन कर सकते हैं। दोनों करना मैंडेटरी है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप 11-12 इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं तो पोस्ट मैट्रिक इंटर क्लास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद से आप जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के अलावा कोई भी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं अपने ही स्टेट में, मतलब इंटरमीडिएट के अलावा आप बीए ग्रेजुएशन या एलएलबी वगैरह कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर पे क्लिक करने के बाद से रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इंटरमीडिएट का अप्लाई करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि पोस्ट मैट्रिक इंटर क्लास पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन मिलता है हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पूछेगा कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके पहले आपको देखना होगा कि आप जो हैं क्या है, मतलब SC ST हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, या फिर आप जो है जनरल OBC हैं, क्या है, मतलब आपको अपनी कैटेगरी देखनी पड़ेगी। तो अगर आप जो है अल्पसंख्यक हैं, मतलब कि माइनॉरिटी में आते हैं, मुस्लिम्स या फिर दूसरे धर्म के हैं, तो आपको यहाँ पे अल्पसंख्यक वाले में अप्लाई करना है, फ्रेश करना है। यानी कि मान लीजिए कि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है स्कॉलरशिप के लिए, तो आप फ्रेश भी अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि आपने पिछले साल अप्लाई किया था और इस साल भी आपको अप्लाई करना है, तो पोस्ट मैट्रिक रेनुअल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग कल्याण, मतलब कि OBC में अगर आप आते हैं तो फ्रेश में करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, रिन्यूअल में करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि आप SC ST और जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो इन दोनों का एक ही में ऑनलाइन होता है, तो इसमें भी आप फ्रेश और रिन्यूअल का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो हमें क्या करना है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में यानी कि OBC में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, तो पोस्ट मैट्रिक फ्रेश पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको सीधे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंटरमीडिएट के कॉलेज होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको कॉलेज को यहाँ पे ध्यान से ढूंढना है कि आपका कॉलेज कौन सा है, और उसी कॉलेज को यहाँ पे सेलेक्ट करना है ध्यान से, क्योंकि वह गलत ना हो जाए। उसको सेलेक्ट करने के बाद से आपसे यहाँ पे वर्ग जाति समूह पूछा जाएगा, जो कि ऑलरेडी इसमें पिछड़ा वर्ग ही खाली आएगा क्योंकि आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो इसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे धर्म पूछेगा, तो आप जो है अपना धर्म यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से आपके हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो नाम है वही नाम आप यहाँ पे इंटर करेंगे। अपने पिता का नाम यहाँ पे डालेंगे, अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने पति का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। माता का नाम यहाँ पे डालना है, और आपके हाई स्कूल के अनुसार ही आपकी जो जन्म तिथि है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद से आप मेल या फीमेल यहाँ से चूज करेंगे, और उसके बाद से आपने हाई स्कूल कौन से सन में उत्तीर्ण किया था यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा है, तो आपका UP बोर्ड है, CBSE है, जो भी है आप उसको चूज करेंगे, और हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक जो है आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा कि विद्यालय संस्था का नाम, हाई स्कूल विद्यालय का नाम, तो यहाँ पे हाई स्कूल के जो भी स्कूल था, मतलब जो भी आपका कॉलेज था वहाँ पे इसका नाम डालना है। अगर आपको एड्रेस पता हो तो उसका एड्रेस भी डालना है, और यहाँ पे लिखा गया है मोबाइल नंबर डालना है, तो आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आधार नंबर से लिंक हो। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और उसी मोबाइल नंबर को जा करके आप जो है अपडेट करवा लीजिए किसी आधार सेंटर पे, तो वो लिंक भी हो जाएगा।
उसके बाद से अगर आपके पास एसटीडी फ़ोन वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, अपना ईमेल यहाँ पे डाल देंगे। ईमेल डालने के बाद से आपको पासवर्ड बनाना है 8 से 12 अंकों का, तो आप जो है यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद से वही पासवर्ड यहाँ सेम उसी में इस दूसरे वाले में भी डालेंगे 18 नंबर वाले में, और उसके बाद से आपको जो यहाँ पे कोप्चा शो हो रहा है 15687 इसको यहाँ पे डालने के बाद से सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा। अगर आप नेट जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है साइट जो है, तो कई बार आपको फॉर्म को फिल करना होता है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। आप इसको प्रिंट ही कर लीजिएगा और यहाँ पे इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और आपने जो पासवर्ड बनाया था उसी से आपको लॉगिन करना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से होम पे क्लिक कर देंगे। होम पे क्लिक करने के बाद से फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे 11-12 का जो यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि क्या है, फ्रेश है क्या है, तो हम क्या करेंगे, फ्रेश वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर पे आएंगे। स्टूडेंट कॉर्नर पे आने के बाद से फ्रेश लॉगिन और यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन का जो ऑप्शन मिलता है, आप क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो जन्मतिथि है उसका जन्मतिथि यहाँ पे फिल करेंगे, और जन्मतिथि के बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, और कैप्चा को डालने के बाद से यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाएंगे जिसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद से आप इस पर सीधा क्लिक करेंगे और प्रोसीड का जो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप जो है यहाँ से क्लिक कर देंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाए कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा भी प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन जो है प्रिंट नहीं किया है तो। उसके बाद से आपको क्या करना है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे पे आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको ऊपर आपका डिटेल शो होगा, तो जो मैंने नीचे स्वाइप कर दिया है तो आपको शो नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम पूछा जाएगा कि आप 11 में हैं, 12 में हैं, किस क्लास में हैं, तो अगर आप 11 में हैं तो 11 ही रहने देंगे। उसके बाद से आपकी जात पूछी जाएगी कि आप कौन से कास्ट में आते हैं, तो आपका जो रियल कास्ट होता है उसका यहाँ पे नाम होता है, तो आपको वही कास्ट यहाँ पे खोजना है और उस कास्ट का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद से आपको अपना आवासीय अस्थाई पता डालना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है उसको आप यहाँ पे डालेंगे, और इस दोनों में डालने के बाद से आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे भी वो एड्रेस आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं पत्र व्यवहार का पता में। उसके बाद से आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने ओबीसी में फॉर्म फिल किया है तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट निकालेंगे तो वहाँ पे आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक दोनों होते हैं, जिसमें से आपको प्रमाण पत्र क्रमांक को यहाँ पे डालना है और उसके बाद से आवेदन क्रमांक जो होता है आपको यहाँ पे डालना है। उसी तरह आपको क्या करना है कि आपकी जो आय प्रमाण पत्र है वह कितने की बनी है, तो आपको वहाँ पे आय डाल देना है और आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे डालेंगे और आय प्रमाण पत्र का जो आवेदन संख्या होता है आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से आपको हाई स्कूल में कितना नंबर मिला है आपको यहाँ पे डालना है। पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, मतलब कि आपने अगर 11th में एडमिशन लिया है तो वह कौन सा डेट है, या फिर 12th में एडमिशन लिया है तो आपको जो एक स्लिप मिली होगी एडमिशन का, उस पे से आप देख करके डाल सकते हैं। उसके बाद से आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि भी यहाँ पे पूछी जाएगी, मतलब कि आपका जो आय प्रमाण पत्र होगा उसका डेट कौन सा है वहाँ पे लिखा होता है आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद से यहाँ पे कॉलेज तो ऑटोमेटिक आ जाता है। हाई स्केल में कितना पूर्णांक होता है, यानी कि अगर 600 होता है, 600 में से आपने 500 पाया तो आपको यहाँ पे 600 डालना है। और उसके बाद से आपसे यहाँ पे पूछे जाएगा कि यहाँ पे बोर्ड में प्रजमियन क्रमांक, यानी कि आपका जो वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होता है, पंजीयन क्रमांक होता है हाई स्कूल में ही, आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है, उसको आप डालेंगे। बोर्ड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, आपको मिल जाएगा। उसके बाद से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर आपको अपना यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करना है।
उसके बाद से जो आपके बैंक खाता में नाम है सेम उसी नाम को यहाँ पे इंटर करना है। और नाम को डालने के बाद से आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे तो आईएफएससी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या, आपका जो है बैंक खाता संख्या क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद से आप क्या करेंगे कि नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है दीवा छात्र आवासीय छात्र, यानी कि अगर आप जो है यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं तो आप जो है आवासीय डाल सकते हैं, वरना आप जो है यहाँ पे दीवा छात्र पे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद से बैंक खाता संख्या जो होता है उसको दोबारा यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क रुपया में, तो जो आपको कॉलेज की तरफ से बताया जाता है कि यह कितना होता है, जो आपकी कॉलेज की फीस होती है आप उतना ही डाल दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद से अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप विकलांग हैं, और अगर आपको विकलांग क्या कोई भत्ता वगैरह मिलता है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं मिलता है तो उसको छोड़ देंगे, क्या परसेंटेज है वो भी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा गत वर्षों में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि, अगर पिछले साल में आपको प्राप्त हुई है तो आपको डालना है, वरना जहाँ पे स्टार नहीं है तो इसे भरना कोई ज़रूरी नहीं है, जो आप देख रहे हैं इन लोगों को। उसके बाद से इसको भी भरना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद से गत वर्ष की कक्षा, मतलब कि आप पिछले साल 10th में थे तो आप वह डालेंगे। गत वर्ष का परीक्षा फल पास हैं, पूर्णांक 600 में आपने यहाँ पे कितना नंबर पाया है ये डालना है, कितने प्रतिशत होता है, ऑटोमेटिक ले लेगा ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो आप कैलकुलेट करके डालेंगे। शिक्षण संस्थान आप जो है अपने पिछले साल का डालेंगे, जैसे कि अगर आप हाई स्कूल में हैं तो उसका डालेंगे। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा शो होगा, कैप्चा डालने के बाद से यहाँ पे क्लिक करके सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो अब आप जैसे ही यहाँ पे फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपका आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई है, आपकी आपने सक्सेसफुली फॉर्म को भर दिया है। अब आपको क्या करना है कि अगले चरण में फोटो को अपलोड करना है। अगर आप फोटो अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो है फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका नाम शो होगा तो आपको स्टूडेंट पैनल में जाना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद से, या फिर अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप जो है फिर से होम पे जा करके आप जो है लॉग इन कर सकते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और आपका जो पासवर्ड होता है उससे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट भी कर लिया है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आपने भर भी लिया है। अब आपको फोटो अपलोड करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को अपलोड करना है। उसके बाद से आप जो है आवेदन पत्र को संशोधित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और बाय द वे आपने अगर कोई चीज़ गलती भर दी है तो आप यहाँ से उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर करेक्शन नहीं करना है, कुछ गलत नहीं भरा है, तो फिर भी आपको यहाँ पे खोल करके और नीचे आपको सबमिट पे कर देना है। उसके बाद से आप क्या करेंगे, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। उसके बाद से जब यह काम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और अपना आधार नंबर डालेंगे। और उसके बाद से इस पे क्लिक करने के बाद से आपका जो फॉर्मेट होता है, जो आपने आवेदन किया होता है, उसका प्रिंट आपको मिल जाता है। प्रिंट मिलने के बाद से आपको क्या करना है कि 3 दिन इंतजार करना है। जब आप 3 दिन इंतजार करेंगे फिर आपको 3 दिन बाद यहाँ पे जो है आपको प्रिंट वाले ऑप्शन का शो होगा, तभी आप इस पे क्लिक करके जो आपको आपके इस कॉलेज में, स्कूल में या जहाँ पे भी जो आपको फॉर्म जमा करना होता है वो 3 दिन बाद ही आप जमा कर सकते हैं। यहाँ तक आपने सारे जो है चीज़ें भर ली है, यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप फाइल चूज करेंगे, 20 KB से ज़्यादा की जो है फाइल नहीं होनी चाहिए, और अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद से फोटो को अपलोड कर देंगे। उसके बाद से आपको केवल आधार नंबर डालना होता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और कुछ आगे ज़्यादा प्रोसेस आपको नहीं होता है, तो मैं आगे आपको आने वाले वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा कि आपको आगे क्या करना होता है। वैसे बस यहीं तक मेन जो होता है आपका काम होता है फोटो अपलोड करने तक, उसके बाद से इन सब पे क्लिक करके सबमिट करते जाना है, और उसके बाद से 3 दिन बाद जो है यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। 3 दिन आपको वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो डिटेल डाला है वह सही डाला है नहीं, उसके बाद से ही जो है आप प्रिंट लेकर के किसी भी संस्थान में जमा कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।